रुके सोनल जी रुकिए ना, बस रुकिए एक मिनट। अरविंद बाइट तो कर लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू आपको भी। आई थिंक गणेश चतुर्थी पूरे महाराष्ट्र में आई थिंक सबसे ज़्यादा दो शोर से मनाया जाता है, क्योंकि मैं दिल्ली में पली बढ़ी हूँ, कभी भी वहाँ पर भी हम मनाते थे, लेकिन जो मैंने यहाँ पर जो 11 दिन का एक पूरा फेस्टिवल होता है और जो एक ऑलमोस्ट एक दिवाली जैसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, वो मैंने यहाँ पर पहली बार देखा है। और आई थिंक ये बॉम्बे की, मुंबई की एक स्पिरिट है विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो मुझे ये फेस्टिवल बहुत बहुत पसंद है। लाल भाग का राजा जब भी कोई आता है तो कोई मनोकामना कुछ शेयर कर सकते हैं। मैंने सुना है कि जो मनोकामना होती है उसको कभी भी किसी को बताया नहीं जाता। जब मेरी मनोकामना पूरी होगी मैं आपको बताऊंगी। जी मैं सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट इसका एक पार्ट होता है वो है कि मैं अपने सभी दोस्तों, सभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके गणपति के दर्शन के लिए जाती हूँ, क्योंकि जो पॉजिटिविटी मुझे सभी फ्रेंड्स के गणपति के पास जाकर उनकी ब्लेसिंग्स लेकर मिलती है, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा एक पॉजिटिव और खुशी की बात होती है मेरे लिए। मैंने आज तक कभी गणपति रखे नहीं अपने घर में, बट मैं भी चाहती हूँ कि बहुत जल्दी होपफुली नेक्स्ट ईयर मुझे भी मौका मिले। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी गणपति रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा मतलब किसके यहाँ पे आपने टाइम दिया, वक्त दिया, जो आपको पसंद आई उनकी गणपति, ऐसा कुछ? आई थिंक ऐसा कोई भी एक नाम लेना गलत होगा, क्योंकि ये एक मेरी श्रद्धा है। मैं बचपन से गणपति की पूजा करती आ रही हूँ, तो मैं कहीं भी मैं ये नहीं कहूँगी कि एक किसी के घर में ज़्यादा अच्छा था या बुरा था, क्योंकि आई थिंक गॉड इज़ वन एंड हम सभी मतलब यू नो वी जस्ट ऑफर आवर प्रेयर्स टू देम एंड दैट्स इट। या जी उस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और अभी पहले दो स्केड्यूल्स हो चुके हैं, एक हमारा और स्केड्यूल बाकी है, उसके बाद फिल्म विल बी रेडी फॉर रिलीज। जी 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 अमित बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, मैं और अरबाज भी हैं उसमें मेरे साथ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड वी आर ऑल वेटिंग फॉर द फिल्म टू रिलीज। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।